Good morning, students. Today we will start our next topic, that is e-banking. E-banking जो हमारा टॉपिक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज. इन माई प्रीवियस वीडियो हमने कुछ फंक्शंस हम लोग बैंक के पढ़ रहे थे. तो बैंक के हमने प्राइमरी फंक्शंस पढ़ लिए थे, सेकेंडरी फंक्शंस हमारे हो गए थे. नाउ वी विल स्टार्ट द e-banking कॉन्सेप्ट, और इसके मॉडर्न फंक्शंस भी हम इन्हें बोल सकते हैं बैंक के, जो मॉडर्न टाइम में डिजिटल फंक्शंस भी हम बोलते हैं. तो आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे ई बैंकिंग से. तो फर्स्ट वन, बैंकिंग वर्ड का मीनिंग तो हम लोग जानते हैं, हमने पढ़ लिया. डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक भी पढ़े हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट भी पढ़ लिए हमने, बैंक के फंक्शंस भी पढ़ लिए. एंड व्हाट इज ई वर्ड? अब यहाँ पे ई का वर्ड क्या है, ई वर्ड का मीनिंग? ई वर्ड इज मीन्स दैट इलेक्ट्रॉनिक, मीन्स वो सारी बैंकिंग ट्रांजेक्शन, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, वो सभी बैंकिंग ट्रांजेक्शन अगर हम किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू कर रहे हैं, इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कर रहे हैं, जितने भी बैंकिंग हमारी फंक्शंस हैं उन सब को अगर हम इलेक्ट्रॉनिक वे में कर रहे हैं तो वो सब क्या है, ई बैंकिंग है. अब इलेक्ट्रॉनिक वे में उसको कैसे करेंगे, क्या उसका प्रोसेस रहेगा, किस कंडीशन में हम उनको कर सकते हैं, कैसी फैसिलिटीज हमें बैंक से लेनी पड़ती है इसके लिए, तो इसके बारे में यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे. तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है एक ह्यूमन पर्सन है, ठीक है, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसमें, और सोसाइटी में जो ह्यूमन पर्सन से देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं. सबसे पहली बात कि जैसे हम लोग बैंक में जाते हैं तो बैंक में बहुत ज़्यादा रश रहता है, एक डिपॉजिटर्स की लाइन है और एक निकालने वालों की लाइन है, तो बहुत सारी लाइन, बहुत लंबी लाइन में लग के हमें एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है. आपके डेट हम कैश विड्रॉ करते हैं, फिर उस कैश को कैरी करना एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में, और उसको लेके जाना सबको पता होता है. बैंक से निकल के जा रहा है तो कैश जमा करके जा रहा हो, या तो बैंक में पैसे लेके जा रहा है या फिर पैसे लेके निकलेगा. तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आफेक्ट करती थी सोसाइटी में, जो पर्सन रहते थे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी. इवन हम लोग शॉपिंग पे जाते थे, ट्रैवल करते थे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो हम फेस करते थे. तो यहाँ पे एक ह्यूमन पर्सन है, वो क्या रहता है, बाहर रहता है कहीं पर, और उसके पेरेंट्स अपने जो उनका बर्थ प्लेस है वहाँ पर वो रहता है. सपोज की हम बात करते हैं दिल्ली की और कलकत्ता की बात कर लेते हैं. एक ह्यूमन पर्सन दिल्ली का रहने वाला है ये, और कलकत्ता में इसकी जॉब है, इसकी पोस्टिंग है. तो कलकत्ता में जब ये जॉब करता है वहाँ पर इसे कुछ अमाउंट जो है अपनी सैलरी का, पर्टिकुलर अमाउंट 60% 50% अपने घर, अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स को सेंड करनी होती है मनी. अब हर मंथ तो इसका आना होता नहीं है, ये इन सिक्स मंथ हाफली और एनुअल में साल में एक बार आता है या फेस्टिवल्स से कह लीजिए, लेकिन पैसे तो हर महीने देने होते. तो इसको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी किसी के हाथ पैसे भिजवाना या फिर खुद जाना या छुट्टी लेना बहुत मुश्किल है इसके लिए. तो ये कहता है आई हैव टू ट्रांसफर मनी, मुझे क्या करनी है, मनी ट्रांसफर करनी है, अपने मम्मी पापा को देनी है, बट आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं स्पेशल छुट्टी लेकर पैसे ट्रांसफर करने के लिए घर जाऊँ अपने दिल्ली और वहाँ पर मम्मी पापा के अकाउंट में मनी डिपॉजिट करूँ. पहले अपने यहाँ से बैंक से निकालूंगा, क्योंकि बैंक का क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, सेट है कि बैंक जो है इतने से इतने टाइम में ही खुलेगा, उससे एक्स्ट्रा टाइम में बैंक नहीं खुलता. तो बैंक का जो टाइम है वो कितना है, सुबह 10 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक का होता है, बैंक उसी टाइम पीरियड में वर्क करते हैं. और यही आपका ऑफिस टाइम पीरियड भी है, तो आप संडे को भी नहीं जा सकते और ऑफिस के बाद भी नहीं जा सकते, तो इसलिए इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है. तो डेट्स वाई आप क्या किया, इसने बैंक से बात की, यहाँ पर ये बैंक है, इसने बैंक से बात की कि ऐसे ऐसे मेरी प्रॉब्लम है एंड आई हैव टू ट्रांसफर द मनी. तो बैंक कहता है नो प्रॉब्लम एट ऑल. बैंक ने क्या कहा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं है. डू यू हैव द इंटरनेट कनेक्शन, क्या आपके पास कोई इंटरनेट कनेक्शन है, बैंक ने इसे पूछा इस पर्टिकुलर पर्सन से. बैंक कहता है कि डू यू हैव अ इंटरनेट कनेक्शन, क्या आपके पास कोई इंटरनेट कनेक्शन है. वो कहता है क्या ये पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल कि मैं यहाँ बैठ कर यहीं बैठे रहूँ और अपने घर अपने मम्मी पापा के अकाउंट में मनी ट्रांसफर करती हूँ. बैंक कहता है यस इट इज पॉसिबल, ये बिल्कुल पॉसिबल है. इफ यस, अगर कहता है कि अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, बैंक कह रहा है इसे, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है यस देन यू कैन डू इट, आप मनी सेंड कर सकते हैं सिटिंग एट होम, अपने घर पे बैठे बैठे, कलकत्ता में बैठे हुए अपने घर पे आप बैठे हैं, आप वहीं से ही अपने मम्मी पापा के अकाउंट में क्या कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स के अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐसा बैंक ने कहा. अब वो पूछता है हाउ, बट ये कैसे पूरा जो प्रोसेस है ये कैसे कंप्लीट होगा, और ऐसे हम कैसे मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, मैं यहाँ से इंटरनेट कनेक्शन तो मेरे पास मेरे घर पे भी है, मेरे मोबाइल में भी, मेरे ऑफिस में भी है, तो मैं फिर कहीं से भी कर सकता हूँ. तो बैंक ने कहा बिल्कुल यस यू कैन डू फ्रॉम एनी वेयर इट, आप इसे कहीं से भी कर सकते हो.
ये इन दोनों के बीच में क्या हुई, कम्युनिकेशन हुई। अब इस पर्टिकुलर पर्सन ने पूछा कि मैं इंटरनेट के थ्रू कैसे कर सकता हूँ, हाउ। तो ये अपनी जो क्वेरीज है उसको और ज्यादा पूछ रहा है, ह्यूमन पर्सन उसको बैंक से जानने की कोशिश कर रहा है, हाउ इज इट पॉसिबल। तो बैंक कहता है ई बैंकिंग के थ्रू ये बिल्कुल पॉसिबल है। अब वो कहता है कि ई बैंकिंग क्या है सर, ई बैंकिंग बताइए मुझे बेटा, स्टूडेंट बीच में भी। वो पूछता है ई बैंकिंग क्या है, तो आपको ई बैंकिंग के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो बैंक कहता है डूइंग बैंकिंग ट्रांजेक्शन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, मीन्स बैंकिंग की ट्रांजेक्शन को, जो आप बैंक में ट्रांजेक्शन करते थे, विड्रॉ करते थे, एक स्लिप आपने फिल करी, उस स्लिप को फिल करके आप बैंक में कैशियर के पास जा रहे हैं, मनी विड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ना आपको किसी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, आपको कोई फॉर्म नहीं फिलअप करना पड़ रहा है, आपको अपने ऑफिस से कोई छुट्टी नहीं लेनी पड़ रही है, किसी तरह की लीव या हॉलीडे नहीं लेनी पड़ रही है आपको। आप कोई भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन, मनी डिपॉजिट करनी है, विड्रॉ करनी है, और इवन आपको अपनी पासबुक में एंट्री करानी है, किसी और के अकाउंट में मनी ट्रांसफर करानी है, कोई भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू जब हम किसी भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन को करते हैं तो उसको बोला जाता है ई बैंकिंग। ई रिपोर्ट यहाँ पर क्यों लगाया गया इलेक्ट्रॉनिक, बिकॉज ऑफ हम इसमें किसी मीडिया का सहारा ले रहे हैं, किसी मीडिया का किसका, हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक किसी न किसी गजेट का हम इसमें सहारा लेंगे। जस्ट लाइक हमें बैंक से इसके लिए कुछ कार्ड इश्यू होते हैं, जस्ट लाइक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम फैसिलिटी हम लेते हैं बैंक से, या ये कह लीजिए कि बेटा जितने स्टूडेंट्स की वीडियो ओपन है, वीडियो अपनी बंद कर लीजिए बिल्कुल। यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, ई बैंकिंग है, डेबिट कार्ड इशू होंगे बैंक से, क्रेडिट कार्ड इशू होगा, और कुछ हमें फैसिलिटीज लेनी पड़ेंगी बैंक से, जिसका बैंक हम पर क्या चार्ज करते हैं, कुछ कमीशन चार्ज करते हैं 1% 2% अपनी फैसिलिटी के लिए। तो बैंक को भी क्या है, अर्निंग चाहिए अपनी। अब बैंक बताते हैं आपके पास एक पीसी होना चाहिए एंड उसमें इंटरनेट कनेक्शन हो। विद द हेल्प ऑफ पीसी यू कैन इजीली डू एनी बैंकिंग ट्रांजेक्शन, विद द हेल्प ऑफ पीसी आप अपने पीसी की हेल्प से, इवन आज की डेट में तो मोबाइल की हेल्प से भी, तो आप किसी भी अपनी मनी की जो ट्रांजेक्शन है उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा बेटा, ई बैंकिंग को पहले कोई नहीं जानता था, आफ्टर द डिमोनेटाइजेशन, जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ है तब क्या था कि हम घर में कैद हो गए थे, बैंक में बहुत ज्यादा भीड़ होती थी, बहुत ज्यादा क्योंकि लोग वहां पे कैश कन्वर्ट कराने के लिए जाते थे, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता था कि हमारे पास अपने पास कैश नहीं होता था, तो जिसके पास डेबिट और क्रेडिट कार्ड थे वो लोग क्या कर रहे थे, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर रहे थे, मींस हमने ऑनलाइन शॉपिंग करना स्टार्ट किया था। तो उस टाइम पे आफ्टर द डिमोनेटाइजेशन ई बैंकिंग को बहुत प्रोग्रेस मिली है, बहुत डेवलपमेंट हुआ है इसका, और लोगों ने इसे जानना भी शुरू किया है। उससे पहले तो बहुत सारे लोग ई बैंकिंग को जानते तो थे कि ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, इज इट पॉसिबल, घर से कर सकते हैं, बट लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करते थे। और आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 10% 20% लोग ऐसे हैं जो इस पर ट्रस्ट नहीं करते, उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं किसी ने हैक कर लिया, तो हमने अपना अकाउंट यहाँ पे अपना रजिस्टर्ड किया इस पर्टिकुलर ऐप में और वहाँ पे हमने मनी ट्रांसफर की, कहीं और मनी पहुँच गई, नहीं पहुँची वहाँ पर तो क्या होगा। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर था, बट आफ्टर द डिमोनेटाइजेशन ये बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है ई बैंकिंग का, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ने भी इसको सपोर्ट किया है और इसके लिए बहुत सारे एक्ट हैं। अगर अब जो है जो एजुकेटेड पर्सन है उनके मन में ये बात है कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ होती भी है इसमें हैकिंग वगैरह की, तो गवर्नमेंट हमारे सपोर्ट में है, बैंक हमारे सपोर्ट में है, बैंक ने हमें ये फैसिलिटी दी है, तो इज इट पॉसिबल कि हम ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। तो उनके मन से डर बिल्कुल चला गया, लेकिन 1% अभी भी पीपल ऐसे हैं बेटा जो इसमें ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, बट नाउ इज इट 100% सिक्योर, सिक्योर है ये, तो सभी लोग इसको कर रहे हैं। आफ्टर द डिमोनेटाइजेशन इसका बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, तो इसके लिए इस फैसिलिटी को लेने के लिए हमें बैंक से कुछ अपने यहाँ पर अपने अकाउंट पे वो फैसिलिटी लेनी पड़ती है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे 1 by 1 डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी, जैसे सबसे पहली बात ईएफटी का कंसेप्ट है बेटा, EFT means electronic fund transfer.
आप इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, EFT के थ्रू आपको ये बैंक से फैसिलिटी लेनी पड़ती है। इसके अंदर दो कैटेगरीज आ जाती हैं, एक तो NEFT है और एक RTGS। आपको ये फैसिलिटी अपने अकाउंट पे लेनी पड़ती है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने अकाउंट से कोई भी मनी किसी दूसरे पर्सन के अकाउंट में अपने घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से, सिर्फ उसमें आपका अपना अकाउंट नंबर, अपना पर्टिकुलर कुछ पिन नंबर, सिक्योरिटी कोड, और जो पर्टिकुलर जिसके अकाउंट मनी ट्रांसफर कर रहे हैं उसका अकाउंट नंबर, वो पर्टिकुलर अमाउंट एंटर करनी होती है। आफ्टर दैट वो मनी विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकेंड उस पर्टिकुलर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। ये फैसिलिटी हमें अपने बैंक अकाउंट से लेनी पड़ती है। अगर हम ये फैसिलिटी नहीं भी लेते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऐप हैं जिसके थ्रू हम ये पर्टिकुलर फैसिलिटी खुद अपने बैंक, अपने जो आप मोबाइल है उस पर क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। जस्ट लाइक विद डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऐप, जस्ट लाइक द भीम UPI और द पेटीएम ऐप। तो ये गूगल पे, ये कुछ ऐप ऐसे हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, ये फैसिलिटी अपने मोबाइल पर ही ले सकते हैं। इंटरनेट कनेक्शन हमारे पास होना चाहिए। बैंक से अगर हम ये फैसिलिटी लेते हैं तो बैंक इसके लिए कुछ फैसिलिटी क्या करता है, चार्ज करता है, कुछ कमीशन चार्ज करता है। तो हमें बस ये है कि अगर बैंक से फैसिलिटी ले रहे हैं तो हम 100% श्योर हैं उसके लिए बैंक रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर हम किसी ऐप के थ्रू ले रहे हैं तो वहां पर जो है 99-98% श्योरिटी रहती है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर वो है ATM। हमें ATM के बारे में भी जानना चाहिए। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग पढ़ रहे हैं, ई बैंकिंग के बारे में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो वी शुड नो अबाउट द ATM। व्हाट इज ATM? ATM इज अ ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ये यहाँ से नाम से तो पहले ही क्लियर हो रहा है कि ये क्या है, एक मशीन है। और कैसी मशीन है? ऑटोमेटिक मशीन है, जो अपने आप ऑटोमेटिकली क्या करती है, मनी को हमें विड्रॉ करके देती है। ये एक ऐसी मशीन होती है जो जिसमें बैंक वाले क्या करते हैं, उसमें वो कैश को फिल कर देते हैं और हमें उस मशीन पे जाके अपना कार्ड स्वाइप करना होता है। वो कार्ड हमें बैंक से ही मिलता है, उस कार्ड के बारे में आगे पढ़ेंगे। कार्ड हमें बैंक से ही मिलता है, प्लास्टिक का कार्ड होता है, उसे स्वाइप करना होता है। आफ्टर स्वाइप हमें उसमें अमाउंट एंटर करनी होती है, अपना पिन नंबर डालना होता है और कैश विड्रॉ होकर के बाहर आ जाती है। सपोज कर मैंने 5000 एंटर किए तो 5000 रुपीज क्या जाते हैं, बाहर आते हैं। तो उस पर्टिकुलर मशीन को ATM बोला गया है यहाँ पर, जो मशीन हमें कैश विड्रॉ करके देती है। अब इस मशीन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्क होने लगे हैं, जैसे हम इसे मनी डिपॉजिटिव भी कर सकते हैं, पासबुक की भी एंट्री करा सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट वर्जन और मॉडर्नाइजेशन होकर आ रहे हैं। इन दोनों के बाद एक और इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, दैट इज डेबिट कार्ड और द क्रेडिट कार्ड। इन दोनों के बारे में हमें पता होना चाहिए अगर हम ई बैंकिंग पढ़ रहे हैं तो। दूसरा क्या है, क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड हो गया और क्रेडिट कार्ड हो गया। चलिए, ये दो कौन से कार्ड है? एक्चुअली क्या होता है, बैंक हमारे अकाउंट पे हमें एक कार्ड इश्यू करके देता है। प्लास्टिक का कार्ड होता है, सिंपल, बहुत छोटा सा, जैसे पैन कार्ड टाइप। आजकल जो लाइसेंस है वो भी ऐसे ही बनने लगे हैं। तो ये जो कार्ड है बैंक हमें हमारे अकाउंट पे इशू करता है, इस पे पर्टिकुलर जो कस्टमर है उसका नाम लिखा होता है, एक डेबिट कार्ड नंबर होता है, वो नंबर लिखा होता है, एक्सपायरी डेट होती है इसकी, इस पर कुछ CVV नंबर होता है पीछे बैक साइड में, CVV नंबर, सिग्नेचरी बाय द ऑथराइज, कुछ हमें इस पे गाइडलाइंस दी गई होती हैं, गाइडलाइंस यहाँ पर लिखी हुई होती हैं कि हमें इसको कैसे यूज करना है, कितनी सिक्योरिटी इसमें बाय सिक्योरिटी कितनी रखनी है, कितनी नहीं रखनी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर एंटर होती हैं। ये जो कार्ड होते हैं इसके बहुत सारे यूज हैं। सबसे पहली बात, हम इस पे क्या कर सकते हैं, कैश विड्रॉ कर सकते हैं। कुछ हम इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से पढ़ेंगे हम। सबसे पहली बात, इन दोनों के पहले हम सिमिलर फंक्शन लिख रहे हैं जो दोनों काम करते हैं। हम इसमें क्या कर सकते हैं, कैश को विड्रॉ कर सकते हैं। नंबर टू, कैश को हम डिपॉजिट कर सकते हैं ATM मशीन में।
नमस्ते, शॉपिंग कर सकते हैं? शॉपिंग पे गए, हम मॉल गए, कोई भी जैसे ट्रेन गए हम लोग, या पेंटरूम वगैरह, या बिग बाजार जा रहे हैं हम घूमने के लिए, तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, हमने कोई चीज परचेज की और हमने उनको पेमेंट कर दिया, अपना कार्ड स्वाइप किया, उनके पास एक मशीन होती है उसमें हमने कार्ड स्वाइप किया। अच्छा, उस मशीन को क्या बोलते हैं बेटा? POS बोलते हैं, जिसमें हमारा कार्ड स्वाइप होता है ना। जैसे सपोज करो हम शॉपिंग के लिए गए, हम लोग इजी डे गए, तो उनके पास एक छोटी सी मशीन होती है जस्ट लाइक द होल्डर, तो ऐसी छोटी सी मशीन है, उसमें हम लोग अपना कार्ड स्वाइप करते हैं, वो लोग अमाउंट एंटर करते हैं, और हमारा वो पिन तो जो स्वाइप है, हमारा कार्ड नंबर उसमें आ जाता है कार्ड स्वाइप करती मशीन में, हमें सिर्फ अपना पिन नंबर डालना होता है, वो मशीन हमारी साइड में कर देते हैं कि पिन नंबर हम अपना डाल दें उसमें, इससे क्या होता है वो सिक्योर रहता है, तो हमें डालते हैं, उनको नहीं बताते, सही? तो हमने डाल दिया, उस पर्टिकुलर मशीन को बोलते हैं POS, मीन्स पॉइंट ऑफ सेल, सेल के जगह पर हम इसको यूज करेंगे। इसकी फुल फॉर्म क्या है? पॉइंट ऑफ सेल। ये वो मशीन है जो कि कार्ड स्वाइप करके शॉपिंग के टाइम पर हम जो सेलर है वो हमारे सामने शो करता है कि मैम इसमें अपना कार्ड स्वाइप कर दीजिए आप। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम कार्ड से पेमेंट करते हैं तो उस मशीन के थ्रू ही होते हैं। इस मशीन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है सब जगह पर, कहीं पर बहुत बड़ी टाइप की हो सकती है, कहीं वो छोटी मशीन हो सकती है, तो लेकिन उसको बोला एक ही जाता है, उसका नाम एक ही है, POS, पॉइंट ऑफ सेल। तो इन कार्ड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? कैश विड्रॉ कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, किसी अदर पर्सन को पेमेंट कर सकते हैं, किसी को पेमेंट करना है तो रेस्टोरेंट वगैरह में गए तो हमने पेमेंट करना है, अपना बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करना है, मोबाइल में रिचार्ज करना है, तो बाय द कार्ड वी कैन डू इट। इस कार्ड के थ्रू हमारे पास ये कार्ड है और हमारे पास ATM वो इंटरनेट फैसिलिटी है, देन वी कैन डू इट वेरी इजिली, हम इसको कर सकते हैं। तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू ये चार काम तो पॉसिबल है। अब इन दोनों में डिफरेंस की बात करते हैं। डिफरेंस दोनों में एक है जो मेन सबसे बड़ा डिफरेंस है, और अदर भी हो सकते हैं, बट मेन डिफरेंस हम यहाँ पे एक जरूर देखेंगे कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या है। क्रेडिट कार्ड में एक्स्ट्रा फैसिलिटी हमको ये मिलती है कि क्रेडिट कार्ड पर हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी ले सकते हैं, एंड यू नो वेरी वेल अबाउट द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। जब हमने बेटा सेकेंडरी फंक्शंस, प्राइमरी फंक्शंस बैंक के पढ़े थे, तो प्राइमरी फंक्शन में मैंने बताया था आपको एक एडवांसिंग लोन, बैंक लोन देने का भी काम करता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हमें देता है। ओवरड्राफ्ट में जो हम अपने बैंक में माइनस में भी बैलेंस कर सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए मेरे बैंक में 2000 रुपीज है, मेरे बैंक में कितने रुपीज है? 2000 है, और अर्जेंटली मुझे जरूरत है 5000 की। इन दैट केस मैं चाहूँ तो अपने कार्ड से, कहीं पर ATM मशीन है तो मैं कार्ड का यूज करके क्या कर सकती हूँ, 5000 रुपीज विड्रॉ कर सकती हूँ। मेरा जो बैलेंस है वो 3000 कैसे चला जाएगा? नेगेटिव में चला जाएगा, और आफ्टर अ सम टाइम उस पर क्या करूंगी, बैंक को 3000 रुपीज पे कर दूंगी, यानी जब अपने बैंक में डिपॉजिट कराऊंगी तो बैंक उसमें से कट कर लेगा। तो ये जो फैसिलिटी है ये हमें किससे मिलती है? स्पेशली क्रेडिट कार्ड पर मिलती है, डेबिट कार्ड पर नहीं मिलती, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी। अच्छा, इसमें बेटा आगे दो टर्मिनोलॉजीज और दी हैं, एक तो टैली बैंकिंग और द कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। उसको भी हम देख लेते हैं। टैली बैंकिंग इज इट वेरी, ये तो बहुत इजी काम है टैली बैंकिंग। तो जैसा कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है, बैंकिंग मीन्स बैंक की ट्रांजेक्शन, और टैली मीन्स टेलीफोन पर, मीन्स आज की डेट में किस पर होगी? मोबाइल पर। आप टेलीफोन वो वाले तो है नहीं, तो मोबाइल बैंकिंग। होता क्या है कि हम लोग अपना जो मोबाइल नंबर है अपने बैंक अकाउंट में वो रजिस्टर्ड करा देते हैं, सही? एक ह्यूमन पर्सन है, उसको प्रॉब्लम है, वो ही कहता है कि मुझे पता नहीं चल पाता मेरे मम्मी ने मेरे अकाउंट में, सपोज करो ये एक स्टूडेंट है और ये हॉस्टल में रहता है, ठीक, इसके अकाउंट में मम्मी ने, इसके पेरेंट्स ने मनी ट्रांसफर कराई है। अब इसका जो बैंक अकाउंट है वो अब वहाँ पे रजिस्टर्ड तो है, बट इसमें अपने अकाउंट में टेली बैंकिंग फैसिलिटी नहीं ली हुई। हमें बैंक अकाउंट नंबर तो लिखना, अपना जो कॉन्टेक्ट नंबर है फॉर्म फिलअप करते वक्त अगर हम किसी बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो अपना मोबाइल नंबर तो लिखना ही होता है, लेकिन हमें तो वो फैसिलिटी अपने क्या लेनी होती, अपने मोबाइल पर लेनी होती है। अब
इसके पेरेंट्स ने क्या करा, इसके अकाउंट में मनी ट्रांसफर करवाए हैं, 1000 रुपीज डिपॉजिट कराए। अब वो इससे कॉल करके पूछ रहे हैं आपके अकाउंट में 1000 रुपीज आ गए क्या। अभी क्या करेगा, या तो छुट्टी लेके अपने कॉलेज की बैंक जाएगा, बैंक में जाए अपनी पासबुक में एंट्री कराएगा, पता करेगा कि हाँ 1000 रुपये बैंक में आ गए या फिर नहीं। या फिर इसके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये बैंक से पहले ही क्या कर ले, कॉन्टेक्ट करे और अपना जो बैंक मोबाइल नंबर है उस मोबाइल पर टेली बैंकिंग फैसिलिटी ले सकता है। इतने जस्ट मैसेजेस फैसिलिटी हमें मिल जाती है, मैसेजेस फैसिलिटी हमें हमारे मोबाइल नंबर पर मिल गई। अब कोई भी पर्सन हमारे बैंक में पैसे जमा करेगा तो हमारे पास मैसेज आ जाएगा, कोई हमारे बैंक से पैसे विड्रॉ करेगा, लेकिन हम भी एटीएम कार्ड लेकर कहीं से मनी विड्रॉ करते हैं तो तुरंत हमारे मोबाइल पे क्या आएगा, मैसेज आएगा। हम चाहे तो पर्टिकुलर एक बैंक की वेबसाइट का एक पर्टिकुलर इनके जो टोल फ्री नंबर होते हैं, उन टोल फ्री नंबर पर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से अगर कॉल करते हैं तो हमारा बैलेंस भी हमें तुरंत पता लग जाएगा। तो ये क्या है, टेली बैंकिंग की फैसिलिटीज हैं जो हमें लेनी चाहिए और मोस्ट ऑफ द पर्सन आज की डेट में ये फैसिलिटी अपने मोबाइल पर लेते हैं टेली बैंकिंग की, राइट। तो ये तो टेली बैंकिंग हो गई जिसमें हमें मैसेजेस फैसिलिटी और द बैलेंस चेक करने की फैसिलिटी बैंक से मिल जाती है। इसका भी क्या होता है, ईयरली बैंक हमसे कमीशन चार्ज करता है, बहुत ज्यादा कमीशन नहीं होता इन छोटी छोटी सर्विसेज का। आप ये मान के चलिए पूरे साल में बैंक ने हमें से 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये इस तरह की सर्विसेज के जो चार्ज है हमसे ले लिया। एक और इसमें बेटर लास्ट फैसिलिटी दी गई है, इट इज CBS, CBS इसका पूरा नाम है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, CBS फैसिलिटी। हमें क्या मिलती है, ये अपने बैंक अकाउंट पे CBS फैसिलिटी लेनी होती है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट और सबसे अच्छी फैसिलिटी देखिए क्या है, एक ह्यूमन पर्सन है, एक ह्यूमन पर्सन है और हम लोग हापुड़ की बात कर लेते हैं। हमारे यहाँ पर हापुड़ में स्टेट बैंक बेटर 3 है, ठीक है, तो हम लोग स्टेट बैंक की बात करते हैं। या हम लोग क्या करते हैं, आपके स्कूल में कौन सा बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, इसकी बात कर लेते हैं। बैंक ऑफ इंडिया हमारे यहाँ पर 3 है, एक तो कहाँ पर है, संजय विहार, यानी कि आवास विकास में, एक बैंक ऑफ इंडिया आपका रेलवे रोड पर है, और एक बैंक ऑफ इंडिया यहां पर है मोदी नगर रोड पर, आपके स्कूल की ब्रांच, स्कूल में जो है। सही, ये पर्टिकुलर क्या है, ब्रांचेस हैं किसकी, बैंक ऑफ इंडिया की, BOI। अब ये एक स्टूडेंट है, आप लोग बेटा कहाँ रहते हैं, सपोज कीजिए कि आप लोग रेलवे रोड पर रहता है, ये एक स्टूडेंट है, ये कहाँ रहता है, रेलवे रोड पर, इसका जो घर है वो रेलवे रोड पर है, ठीक, क्लास बीच में चली गई बेटा, इसका जो घर है वो कहाँ पर है, रेलवे रोड पर है, चलिए ये रेलवे रोड पर रहता है। अब क्या हुआ कि ये जो ह्यूमन पर्सन है, आपको मतलब अपने बैंक में फीस जमा करनी है, और फीस कहाँ पे जमा होगी, मोदी नगर रोड वाली ब्रांच पे जमा होगी फीस। तो आप क्या कर सकते हैं, आप गए बैंक के पास कि मुझे जो है क्या ऐसा पॉसिबल है कि बैंक ऑफ इंडिया की जो ब्रांच रेलवे रोड पर है मैं उसमें ही अपनी फीस जमा कर दूं, इज इट पॉसिबल, क्या वो पॉसिबल है। तो उसके लिए अकाउंट में आपके कौन सी फैसिलिटी होनी चाहिए, CBS फैसिलिटी आपके पास होनी चाहिए। इफ यू हैव द फैसिलिटी ऑफ CBS कोर बैंकिंग सॉल्यूशन,
मीन्स जो सेम ब्रांच के बैंक हैं, सेम पर्टिकुलर बैंक की जो ब्रांचेस हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं, विद इन अ ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आप हापुड़ में रहते हैं, दिल्ली में बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच है, आप किसी काम से बैंक गए, वहां पे आपका एटीएम आपके पास नहीं है, आपको अपना अकाउंट नंबर याद है, तो आप क्या कर सकते हैं, दिल्ली की ही किसी बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच से अपनी मनी विड्रॉ कर सकते हैं, मनी विड्रॉ की, मनी डिपॉजिटेड की, और इवन द आपको पासबुक एंट्री कराने की फैसिलिटी भी मिल जाएगी अपने अकाउंट पर। आप किसी भी ब्रांच में करवा सकते हैं, रेलवे रोड वाली ब्रांच है तो आप संजय विहार से निकल रहे हैं, संजय विहार वाली में एंट्री करा लीजिए। आप मोदी नगर रोड पे मनी अपनी डिपॉजिट कराना चाहते हैं, वहां डिपॉजिट करा लीजिए। कैश यहाँ से विड्रॉ करना चाहते हैं, यहाँ विड्रॉ कर लीजिए। है तो सब बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांचेस। आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो आपकी ब्रांचेस हैं, जो सेम बैंक की हैं, उन सभी ब्रांचेस में अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, मनी विड्रॉ करना, मनी डिपॉजिट करना और पासबुक में एंट्री कराना। ठीक, तो ये कुछ फैसिलिटीज हैं जो हमें क्या मिलती हैं, CBS के अंदर मिलती हैं। अब हम बेटा बैंक के कुछ फंक्शंस पढ़ रहे थे, तो सेकेंडरी फंक्शन की हम बात कर रहे थे। यहां से मैं अब ई वर्ड हटा देती हूँ, तो हम लोग सेकेंडरी फंक्शंस के अंदर एक्चुअली वो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, मैं छोड़ नहीं सकती उसको, लीव नहीं कर सकते बेटा। लेटर ऑफ प्रेफरेंस नाम का एक कंसेप्ट दिया है। अभी क्या होता है लेटर ऑफ प्रेफरेंस, इसको देख लेते हैं जल्दी से 2 मिनट। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस हो रहा है, ये बिजनेसमैन है ए, ये बी। जैसे मैंने आपको डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बताया था, वो भी लोन का एक तरीका था, तो सेम ऐसे ही लेटर ऑफ प्रेफरेंस एक फैसिलिटी है जो बैंक की तरफ से हमें मिलती है, बैंक एज एजेंट यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो ए और बी दो बिजनेसमैन है, ये इंडिया का बिजनेसमैन है और यहाँ पे बात कर लेते हैं ये अमेरिका का है, राइट। तो ए ने क्या किया, बी को, इन दोनों के बीच में डीलिंग हुई, ये क्या करना चाहते हैं, आपस में बिजनेस करना चाहते हैं, और ए को इससे क्या करना है, गुड्स परचेज करना है। ये इसको क्या करेगा, गुड्स सेल करेगा, ठीक। ए ने जो है यहाँ पर इसको 1000 यूनिट्स का वो दिया है ऑर्डर, कि मुझे जो है इस पर्टिकुलर ये मशीनरीज चाहिए और इन मशीनरीज का 1000 मशीनरीज का इसने ऑर्डर दिया है, ये बिजनेसमैन है, इसको अपने यहाँ पर वर्किंग में या फिर अपनी कंट्री में सेल करने के लिए होलसेल में मशीनरीज चाहिए, तो 1000 मशीनरीज का ऑर्डर दिया। इन 1000 मशीनरीज की जो अमाउंट है वो अमाउंट मिलकर बैठती है करीब 10 करोड़ रुपए। भाई इंटरनेशनल लेवल बिजनेस कर रहे हैं, एक साथ आप कलेक्टिवली उसको परचेज करेंगे तो 10 करोड़ बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, तो इसकी जो अमाउंट है वो कितनी है, 10 करोड़ रुपीज अमाउंट है। अब ये सोचिए, आपने तो ए ने क्या करा, बी के बारे में पता कर लिया कि उस पर्टिकुलर कंट्री में वो बिजनेसमैन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी मशीनरी प्रोड्यूस करता है, आपने उससे कॉन्टेक्ट करके अपने यहाँ पर मशीनरी का ऑर्डर दे दिया। जब बी के पास ऑर्डर पहुंचा अकाउंट में, उसे ऐसा लगा कि इंडिया से इतने यूनिट्स का ऑर्डर आया है, ऑल्सो 10 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन करने के लिए मान के चलिए मार्केट से 5 करोड़ रुपए का लोन भी लेना पड़ेगा, बाद में आपने पेमेंट नहीं करा तो वो कहाँ से पेमेंट लाएगा, आपने मना कर दिया मैं नहीं परचेज कर रहा, 2 करोड़ रुपए आपने एडवांस में दे दिए और बाकी 8 करोड़ का पेमेंट नहीं मिला उसे, फिर उसके लिए जो एक्सपोर्टर्स होते हैं, इसको तो गुड्स एक्सपोर्ट करना है, आपको सेल करना है, भाई इसे सिक्योरिटी चाहिए, इसे क्या चाहिए, किसी भी तरह की सिक्योरिटी चाहिए जो ये प्रूफ दिखा सके कि आप इसे 10 करोड़ का पेमेंट कर दोगे। उसके लिए क्या मांगते हैं हम एक दूसरे से, इंटरनेशनल लेवल पर बैंक से प्रूफ मांगते हैं कि अपने बैंक से लिखवा के लेकर आओ कि आपके पास 10 करोड़ रुपए आपके बैंक में हैं, मीन्स कि आप हमें 10 करोड़ का पेमेंट कर देंगे, तो उसकी गारंटी फिर कौन लेता है, बैंक लेता है। बैंक हमें हमारे अकाउंट के बिजनेसमैन को ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है लेटर ऑफ रेफरेंस, एक लेटर लिख के बैंक देगा रेफरेंस में, किसके रेफरेंस में, इस पर्टिकुलर पर्सन के रेफरेंस में, ये पर्टिकुलर पर्सन मेरे बैंक का इतने साल से कस्टमर है और इसके अकाउंट में मोस्ट ऑफ द टाइम ये इतना अमाउंट हमेशा रहता है,
अगर ये पेमेंट नहीं करेगा तो इसके बिहाफ पे हम पेमेंट आपका कर देंगे, हम आपका पेमेंट कर देंगे। बैंक कह रहा है, बैंक क्या कह रहा है कि अगर ये आपको पेमेंट नहीं करता है तो इसके बिहाफ पे हम आपका पेमेंट करेंगे और बैंक इससे तो वसूल कर ही लेगा फिर, सही। बैंक भी आपकी गारंटी कब लेगा? क्या अब ये सोचिए कि मैं इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करने लगू, क्या बैंक मेरी गारंटी लेगा? नहीं लेगा बैंक। बैंक भी क्या करता है, कुछ स्पेशलाइज पर्सन की ही गारंटी लेता है, बैंक सबकी गारंटी नहीं लेगा। बैंक के जो रैपटेड कस्टमर्स हैं बहुत ज्यादा, जो वहाँ की उनके उन्हें बहुत ज्यादा ट्रस्ट वर्थी पर्सन हैं, बहुत रैपटेड गुडविल वाले पर्सन हैं, जिसके बैंक को ऐसा लगता है जिनके यहाँ पे FD और सिक्योरिटीज बहुत ज्यादा है, फाइनेंशियल पोजिशन बहुत साउंड है, हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी फाइनेंशियल पोजिशन है, बैंक उनकी गारंटी लेता है और एक लेटर बना के किसको दे देगा? ए को देगा। ए जो है उस लेटर को सेंड करेगा बी के पास। अब वो लेटर किसके थ्रू पहुंचेगा? बैंक के थ्रू ही पहुंचेगा बेटा। जैसे यानी कि ए का बैंक अगर लेटर बना रहा है तो उस लेटर को कौन लेगा? बी का बैंक रिसीव करेगा, राइट। तो ऐसे लेटर ऑफ प्रेफरेंस यानी बीच में मीडिएटर का काम भी बैंक यहाँ पर कर रहा है। देखिए बैंक का तो यहाँ पर कोई यूज नहीं, कोई फायदा नहीं, लेकिन बैंक हमें फैसिलिटी दे रहा है कि वो हमारी फाइनेंशियल जो पोजिशन है उसके बारे में हमारे बिजनेसमैन को बता रहा है। ऐसे ही अगर हम दूसरी कंट्री से गुड्स परचेज करते हैं और हम फिर इनसे लेटर ऑफ प्रेफरेंस की डिमांड करेंगे कि भाई आप हमें लेटर ऑफ प्रेफरेंस दिखाइए, अपने बैंक से लिखवा के लाइए कि आप हमें इतने का पेमेंट कर देंगे, तो दोनों ही तरफ से, दोनों ही पार्टी से एक दूसरे से एक दूसरे की फाइनेंशियल पोजिशन जानना चाहते हैं, तो इसलिए हम बीच में बैंक से ये लेटर क्या करते हैं? लिखवाते हैं। बैंक उसे टाइप करके देता है, इस काम के बैंक अपने कुछ कमीशन चार्ज कर लेता है, तो इसे हम बोलते हैं लेटर ऑफ प्रेफरेंस। तो इसके बाद एक इसमें जनरल फैसिलिटीज भी बैंक हमें कुछ प्रोवाइड कराता है बेटा। तो जनरल फैसिलिटीज में एक तो लेटर ऑफ क्रेडिट है, इसी को हम लेटर ऑफ क्रेडिट भी बोलते हैं, लेटर ऑफ प्रेफरेंस और लेटर ऑफ क्रेडिट सेम थिंग है, ठीक। एक उसमें लॉकर फैसिलिटी और दिया गया है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो लॉकर फैसिलिटी तो आपको सबको पता ही होगा, हम बैंक से एक लॉकर फैसिलिटी भी ले सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि बैंक हमारा हमारे अकाउंट में हमें एक लॉकर इशू कर देगा, लॉकर के कुछ चार्ज हमें देने होते हैं, उस लॉकर में हम अपने घर के प्रॉपर्टी के पेपर्स, अपने गोल्ड ऑर्नामेंट्स और द सिल्वर ऑर्नामेंट्स वहाँ पे सिक्योर रख सकते हैं, जो बैंक के पास बिल्कुल सेफ्टी से रहते हैं। जैसे घर में चोरी वगैरह का डर रहता है तो वहाँ पे हम डिपॉजिटेड कर सकते हैं। बैंक की तरफ से हमें की इशू होती है, वो की हमें संभाल के रखनी होती है और एक की बैंक के पास होती है, तो ये लॉकर फैसिलिटी भी बैंक हमें देता है। कुछ बैंक के यहाँ पे फंक्शंस हमने पढ़ लिए, आगे नेक्स्ट वीडियो में उसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, बाय। बेटा अटेंडेंस को